रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले झारखंड के दौरे पर झामुमो एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया और कहा कि शिबू सोरेन को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने रामगढ़ स्थित राष्ट्रीय सचिव के आर नायक के परिजनों से मुलाकात की और दिवंगत नेता श्रद्धांजलि सभा के बाद पत्रकारों ने उनसे झारखंड को उसके हक का पैसा देने में केंद्र सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये पर सवाल किया। इसके जवाब में रामदास अठावले ने कहा कि शिबू सोरेन पहले भी एनडीए में रह चुके हैं, अगर वो दोबारा एनडीए में शामिल होते हैं तो केंद्र सरकार में मंत्री पद मिलेगा। इसके बाद झारखंड को केंद्र से पैसा मिलने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगर झामुमो एनडीए में शामिल हो जाती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस पर उन्होंने कहा कि आपस में मिल बैठ कर एनडीए में शामिल सभी दलों की सहमति से फैसला हो जाएगा। एक अन्य प्रश्न के जवाब में रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी को वो भी कभी मोदी के टक्कर का नेता नहीं मानते। राहुल गांधी के दलित प्रेम पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को किसी दलित की बेटी से शादी करना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का सपना पूरा होगा। रामदास अठावले ने कहा कि दामोदर घाटी निगम का सपना भीमराव अंबेडकर ने देखा था, उन्होंने मंत्री रहते इसे पूरा करवाया, इसलिए इसका नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। You've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।